हेलो आदाब नमस्ते, मैं नेहा मिश्रा और आप देख रहे हैं सिनेमा डायरी। डेविड धवन के निर्देशन में बनी वरुण धवन और सारा अली खान स्टारर फिल्म कुली नंबर वन का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। फिल्म क्रिसमस के खास मौके पर अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज की जाएगी। वरुण धवन और सारा अली खान की फिल्म कुली नंबर वन का ट्रेलर लॉन्च हो चुका है, जिसका फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। कुली नंबर वन का ट्रेलर 28 नवंबर 2020 को रिलीज हुआ। मस्ती से भरी इस फिल्म कुली नंबर वन के ट्रेलर लॉन्च पर वरुण, सारा और परेश रावल पहुंचे थे। वरुण और सारा के फैंस इस ट्रेलर को बेहद प्यार दे रहे हैं। ट्रेलर से लगता है वरुण और सारा की केमिस्ट्री काफ़ी जम रही है। दोनों कमेंट्स और लाइक द्वारा खूब प्यार बटोर रहे हैं। बता दें कि जैसे ही ट्रेलर रिलीज हुआ, ज़्यादातर फैंस फिल्म की तुलना गोविंदा की 1995 की फिल्म कुली नंबर वन से कर रहे हैं। वरुण धवन और सारा अली खान ने ट्रेलर लॉन्च इवेंट के दौरान बताया कि यह एक अलग फिल्म है। मीडिया से बातचीत के दौरान जब वरुण और सारा से पूछा गया कि फिल्म गोविंदा की पुरानी फिल्म से कितनी अलग है, तो उन्होंने कहा कि ये फिल्म नए मसाले के साथ रिलीज होगी और इसका गोविंदा की फिल्म कुली नंबर वन से कोई लेना देना नहीं है। वहीं वरुण ने बताया, इसके बारे में जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। इस फिल्म में मस्ती और मनोरंजन का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। ट्रेलर रिलीज होने के बाद अभी तक ये 16 मिलियन से ज़्यादा बार देखा जा चुका है। बात करें ट्रेलर वीडियो पर पब्लिक के रिएक्शन की, तो इसे जमकर तारीफें मिल रही हैं। वरुण धवन ने ट्रेलर का लिंक अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है और फैंस कमेंट बॉक्स में ट्रेलर की खूब सराहना कर रहे हैं। तमाम सेलिब्रिटीज़ ने वरुण धवन की फिल्म के ट्रेलर की तारीफ़ की है। करण जौहर ने ट्वीट करके लिखा है, बहुत एंटरटेनिंग डेविड जी, वाकई कमाल की एंटरटेनर है। उन्होंने राज करना जारी रखा है, वरुण धवन तुमने भी कमाल कर दिया है, सब कुछ ज़बरदस्त है। वहीं अनिल कपूर ने अपने ट्विटर में लिखा है, सबसे कूल, सबसे मजाकिया और सबसे चार्मिंग कुली, तुम्हारे आने का इंतज़ार रहेगा। कुली नंबर वन की मूल कहानी को डेविड ने पिछली बार की तरह ही रखा है। हालांकि कास्ट, सेटअप, शूटिंग और बाकी चीज़ों के जरिए पूरी फिल्म को एक बिल्कुल ही नया फील देने की कोशिश की गई है। कहना होगा कि एक रीमेक के होने के बावजूद डेविड की इस फिल्म को पूरी तरह से नया फील दे पाने में वो कामयाब रहे। हालांकि पब्लिक का इस फिल्म पर रिएक्शन कैसा रहता है, ये तो रिलीज़ के बाद ही पता चलेगा। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल डी न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।